एक्यूट पेल्विक अपेंडिसाइटिस अगर किसी मरीज में उसके नॉर्मल अपेंडिक्स की पोजीशन पेल्विक हो, तो इस कंडीशन में हम कंफर्म डायग्नोसिस के लिए या रूल आउट करने के लिए एक टेस्ट करते हैं जिसे ऑब्टूरेटर टेस्ट कहा जाता है और इसे हम ऑब्टूरेटर साइन भी कह सकते हैं। इस टेस्ट में पेशेंट का जो राइट लोअर लिम होता है उसे हमें फ्लेक्स करना होता है हिप जॉइंट पर और नी जॉइंट पर, यानी 90 डिग्री का फ्लेक्शन होता है हिप जॉइंट का और राइट नी जॉइंट का। इसके बाद हम इंटरनल रोटेशन करते हैं इस फ्लेक्स्ड लेग को। अगर हम इंटरनल रोटेशन करते हैं ऐसे पेशेंट में जिसमें पेल्विक पोजीशन वाला अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड हो, तो इस कंडीशन में पेशेंट को पेन होता है राइट इलियक फोसा में। क्योंकि ये टेस्ट बताता है कि जो इन्फ्लेम्ड पेल्विक अपेंडिक्स है ये ऑब्टूरेटर इंटरनल मसल के कांटेक्ट में आता है जब हम इंटरनल रोटेशन करते हैं। चूँकि ऑब्टूरेटर इंटरनल मसल का मेन काम होता है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ लोअर लिम स्पेशली थाए, तो जब हम उसके अपोजिट इंटरनल रोटेशन करते हैं तो ऑब्टूरेटर इंटरनल मसल जो है वो टाइट हो जाती है जो अब इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स के कॉन्टैक्ट में आती है, जिसकी वजह से पेशेंट को राइट इलियक फोसा में पेन होने लगता है। तो अगर ये साइन पॉजिटिव मिलती है तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है।